بسم الله اللهم صل على محمد وعلى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب صلوات سورہ مبارکہ رات کی آخری آیت ایک باب ہے فضائل مولا کائنات کا میں تو جب قرآن کو پڑھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ قرآن مکمل قصیدہ ہے علی کا خالق جب اپنی مخلوق کی بات کرتا ہے اور خالق جب اپنے مخلوق کے فضائل کو اور مناقب کو بیان کرتا ہے تو سب سے عظیم مخلوق کہ جس کا حق ہے کہ اللہ اس کی تعریف کرے اسے محمد یا علی کہا جاتا ہے بھائی ہمیں تکبر کرنے کی اجازت نہیں ہے اللہ متکبروں کو پسند نہیں کرتا ان الذین یستکبرون عن عبادتی جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں اچھا یہ بھی اللہ نے بتا دیا جو عبادت نہیں کرتے وہی تکبر کرتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی جو میری عبادت میرے سجدے سے تکبر کرتے ہیں سیدخلون جہنم داخرین منہ کے بل اوندھے منہ انہیں جہنم میں ڈالوں گا الکبر و ردائی تکبر میرے کپڑے ہیں اللہ کہہ رہا ہے اور جس نے تکبر کیا اس نے گویا میرے کپڑوں میں ہاتھ ڈالا اتنی نفرت ہے اللہ کو تکبر کرنے والوں سے بھائی ہم تکبر مٹانے کے لیے ہی تو مجلس میں بیٹھے ہیں ہمارے اوپر ہمارے بڑوں کا احسان ہے یہ تو بہت ہی کرم اور رحم کے ساتھ مجلس ہو رہی ہے یہ تو رحمت کی بارش کے ساتھ ہو رہی ہے گولیوں کی بارش میں بھی مجلس کی ہے بلکہ میں بلندتر صلوات یہ تو اللہ کا بلکہ آج حاضر نہ ہونے والوں کو پیغام دیں کہ کل اس سے زیادہ بارش میں مجمع اس سے چار برابر ہوگا یہ تو اللہ کا کرم ہے نا ہمارے ساتھ اور یہ آپ کا یہ مرکزی اشرا آپ کے اس عمل کا ایک دور تک پیغام ہے اور سب سے پہلا پیغام تو مولا حسین کو سلام ہے اور شہدائے کربلا کو سلام ہے اور اس انداز میں یقین جانیے کہ ثواب کئی برابر زیادہ ہو جائے
तो तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं है। तवज्जो मेरे साथ है, तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह मुतकब्बिरों से नफरत करता है। और क्या करें कि तकब्बुर मिटाएं, क्या करें कि तकब्बुर ना रहे? उसका एक जरिया यह है कि जिनके मिजाज में अर्श पाया जाता है वो हुसैन के नाम पर फर्श पर बैठते हैं। जो अपनी जात की नफी करे, जो अपनी जात की नफी करे उसी को मुनकसिर कहते हैं, खाकसार कहते हैं, मुतवाजे कहते हैं। और एक बेहतरीन जरिया इमाम हुसैन की आज़ादारी है जो हमारे तकब्बुर को मिटाने का जरिया है। अल्लाह को तवज्जो चाहूंगा, मैं एक नतीजा देना चाह रहा हूँ, ये तमहीद थी मेरी। अल्लाह को तकब्बुर पसंद नहीं है, अल्लाह मुतकब्बिरों को पसंद नहीं करता। तो जब वो हमें मुतकब्बिर पसंद नहीं करता तो खुद मुतकब्बिर क्यों है? हमें तो कायदा ये दिया कि वो चीज़ पसंद करो जो दूसरे के लिए भी पसंद करो, जो अपने लिए पसंद करो वो दूसरे के लिए भी पसंद करो। तो या अल्लाह तू तो मुतकब्बिर है, हमें क्यों इजाज़त नहीं देता कि हम मुतकब्बिर बने? तो मैं तो एक ही नतीजे पर पहुंचा हूं और एक ही जवाब मेरे दिमाग में है, और वो ये कि अल्लाह का हक है कि वो ही मुतकब्बिर रहे, और अल्लाह का हक यूं है कि उसने मोहम्मद और अली को बनाया है। जो खालिक़े मुस्तफ़ा और मुर्तज़ा हो, जो अली और मुस्तफ़ा का बनाने वाला हो, उसी को हक है कि वो खुद को मुतकब्बिर कहे। या अल्लाह तूने किसे बना डाला? अजीजो, बंदे की तारीफ अगर खालिक के जरिए से हो रही हो तो ये तो हक है, ये तो मयारे बंदगी है, ये तो मेराजे बंदगी है। मसलन खालिक अपने बंदे की तारीफ कर रहा हो, मेरा बंदा ऐसा, तवज्जो की, ये तो मेराज बंदगी है। एक बंदे का बड़ा मकाम है कि उसका खालिक अपनी मखलूक से मोहब्बत का इजहार और उसे इत्मीनान का इजहार कर रहा है। कमाल मुस्तफ़ा और मुर्तज़ा यह है कि खालिक पहचाना जाता है इनके जरिए से। सलावात पढ़ेंगे मोहम्मद वाले, खालिक अपने मखलूक के जरिए अगर पहचाना जाए तो ये मखलूक का कमाल है, मेराज है। अल्लाह हर बंदे से चाहता है कि वो इबादत के लिए हाजिर हो जाए, कोई कोताही इबादत में ना करे। खबरदार, बिस्तरों पे नजर ना आओ, मुसल्लों पर आ जाओ। जुमला अर्ज कर रहा हूं, हर बंदे से अल्लाह चाहता है कि वो मुसल्ले पर आ जाए, मुसल्ले पर आ जाए। अपने हबीब से कहता है कभी बिस्तर पे भी चले जाया करो। कुमिल लैला इल्ला कलीला, है मेरे हबीब कभी आराम भी कर लिया करो, कभी इस्तराहत भी कर लिया करो। है मेरे मुस्तफ़ा, तुम्हारे तो पैरों पे वरम आ जाता है मेरे सामने खड़े हो होकर। अल्लाह अकबर, मेराज पर सरकार जा रहे हैं, तवज्जो है, मेराज पर सरकार जा रहे हैं, मगर तारीफ अल्लाह की हो रही है। जी किसको हुई है मेराज? सरकार को ही है, मगर अल्लाह तारीफ क्या कर रहा है? सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, बाबरकत है वो जात जो अपने बंदे को ले गई। मेराज मुस्तफ़ा की है, अजमत अल्लाह की बयान हो रही है। अजीजाने गिरामी, हम इन मजालिस का इनेकाद भी इसलिए करते हैं, जितना जुमला अर्ज कर रहा हूं, जितना हुसैन हुसैन करोगे इतना ही अल्लाह अल्लाह होगा। जितना इमाम, जितना जिक्र करबला किया जाएगा, जितना याद हुसैन का इनेकाद किया जाएगा, इतना ही वहदानियत परवरदिगार का इस्बात होगा, उस ज़ात किरदगार का
उसकी इबादत का सलीका हमें आएगा। जिक्र अरबी जबान का लफ्ज है, उर्दू में हम उसे याद कहते हैं। जिक्र खुदा, जिक्र अहले बैत, जिक्र हुसैन, जिक्र यानी याद। जक्र अरबी का लफ्ज है, याद दिलाओ। कुरान मजीद में ये लफ्ज आया है, ये फेल अम्र, जक्र याद दिलाओ। तज़क्कुर का लफ्ज आप इस्तेमाल करते हैं, भाई फलां को तज़क्कुर दे दो, उन्हें याद दिला दो, भाई मैं मुतज़क्किर नहीं था, मुझे याद नहीं था। ज़िक्र यानी किसी चीज को याद करना, और याद उस वक्त तक याद नहीं हो सकती जब तक के यादगार ना हो। अगर याद उस वक्त तक याद नहीं हो सकती जब तक के यादगार ना हो। अगर मीनारे पाकिस्तान को गिरा दोगे तो करारदादे पाकिस्तान भुला दी जाएगी। अगर कायदे आजम का मजार कुछ तकफीरी मिजाज लोगों के मुताबिक हटा दिया जाए तो कायदे आजम भुला दिए जाएंगे। अगर तेहरान में मैदान आजादी को हटा दिया जाए तो इनकलाब की याद खत्म हो जाएगी। अगर आगरा में वो ताजमहल हटा दिया जाए तो मोहब्बतों के किस्से गुम हो जाएंगे। यानी अगर यादगारों को हटाएंगे तो याद खत्म हो जाएगी। अल्लाह इंसान के मिजाज की शैतनत को जानता था, लिहाजा उसने सफा और मरवा को गिरने नहीं दिया। उसने मुसलमानों पर न सिर्फ उन्हें बाकी रखा, मुसलमानों पर वाजिब करार दे दिया, शरीयत का हिस्सा बना दिया। पकड़ना होगा, तवज्जो है। मैं जुमले की तकरार कर रहा हूं, जो लोग यादगारों को मिटाकर मिटाना चाहते हैं, अब उनके मिजाज का और उनके हदफ का आपको एहसास हो गया, उनका हदफ क्या है, उनका मकसद क्या है। मीनारे पाकिस्तान अगर मिटा दिया जाए तो क्या होगा, कितना खतरनाक ख्याल है, कितना खतरनाक इरादा है जो यादगारों को हटाने की बात करते हैं। तो ये मिजाज तो अल्लाह ने बनाया ना, इस शैतान को भी तो अल्लाह ने ही बनाया है ना। जहां रहमान ने अपने औलिया बनाए हैं वहां शैतान भी मखलूक इलाही ही है। कुरान मजीद में शजरा तैयबा और शजरा खबीसा की बात है। शजरा तैयबा से मुराद नबी और खानदान नबी हैं, और शजरा खबीसा से मुराद फिरौन, नमरूद, हमान, शद्दाद, मुआविया है। तो ये शजरा तैयबा, ये शजरा तैयबा भी तो अल्लाह की मखलूक है ना। ऐसा तो नहीं है कि शजरा तैयबा मखलूक किसी और की है, ये भी अल्लाह की मखलूक है और वो भी अल्लाह की मखलूक है। वो और बात है कि एक मोहकम मखलूक है, एक मुतजलजल मखलूक है। तो मखलूक के मिजाज को तो खालिक से ज्यादा कोई जानता नहीं है। जब मखलूक के मिजाज को खालिक जानता है तो फिर वो ये भी जानता है कि ये यादगारों को मिटाएंगे ताकि यादगारों के मिट जाने से याद मिट जाए। तो अल्लाह ने किस्सा तो इब्राहिम का था मगर मुस्तफ़ा की शरीयत में वाजिब करार दे दिया, और मुस्तफ़ा की शरीयत में उन लोगों पर वाजिब करार दे दिया। तवज्जो चाहूंगा, मुस्तफ़ा की शरीयत में उन लोगों पर वाजिब करार दे दिया, तवज्जो चाहूंगा, जो साहिबान सरवत भी हैं और साहिबान सेहत भी हैं। भाई जुमला तकरार कर रहा हूँ, मेरी आवाज़ जा रही है, अकीदा भाई जी तवज्जो है। उन लोगों पर शरीयत में सफा और मरवा की याद को वाजिब करार दे दिया। एक सलवात और हदिया करें, इसको नहीं चाहिए, माइक नहीं मंगवाओ, उनको वह रोक दें। नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। इसमें करंट आ जाएगा? नहीं, टाइम बताइए सर, टाइम
तवज्जो तवज्जो मेरे साथ है, अपनी बात को तकरार कर रहा हूं एक मरतबा, फिर एक जुमला कह रहा हूं। अल्लाह मिजाजों से आशना है, खालिक है, मिजाज है, मिजाजों का खालिक है ना, वो उससे बेहतर कौन जानेगा। जिन लोगों ने ये माइक बनाया है वही बेहतर जानते हैं चलेगा कैसे। तो ये जो इदारे बर्ख की तरफ से जो बिजली का इंतज़ाम था वो कहीं मरकज़ से उसे बंद किया गया है ताकि कोई खुदा ना खास्ता हादसा ना हो, और ये बिल्कुल ठीक किया, इन्होंने सही किया। मगर हम तो ये बताना चाह रहे हैं, अपने आप को ये समझाना चाह रहे हैं, अपनी नस्लों को ये सबक देना चाह रहे हैं कि हालात से मुतासर होने वाला शिया नहीं होता। बलंतर सलावत पढ़े, यादगारों को मिटाने से यादें मिट जाएंगी। तो अल्लाह ही जानता था, ये अल्लाह इनका खालिक, इनका भी तो खालिक अल्लाह है, तो अल्लाह इन्हें जानता था कि ये क्या इरादे रखते हैं, इनका मिजाज क्या है, और दर हकीकत ये यादगारों को मिटाकर क्या चाहते हैं। तो अल्लाह ने शरीयत मुस्तफ़ा का हिस्सा करार दे दिया मरवा और सफ़ा और मरवा के दरमियान सही करना, और सफ़ा और मरवा के दरमियान सही करने के लिए जो शरायत हैं, भाई देखें नमाज मगरिब वाजिब है या नहीं शरीयत में, अभी पढ़ सकते हैं हम, इसका मतलब है कि शरायत है जी। रोज़ा शरीयत में वाजिब है या नहीं, आज वाजिब है नहीं, तो इबादत अल्लाह ने शरीयत में वाजिब करार दिए हैं मगर उसकी शरायत है, वो जब शर्त पूरी होगी तो मशरूत आ जाएगा। अल्लाह ने जो शरायत हज करने वालों की करार दी हैं उनमें एक मोटी शर्त यह है कि हज करने वो जाएगा जिसके पास सरवत इतनी हो, पैसा इतना हो कि वो अपने घर वालों के लिए छोड़कर भी जाए और हज के सफर में इंतजाम भी मुकम्मल कर पाए। दूसरी मोटी शर्त हज करने वालों की यह है कि उसकी सेहत भी ठीक हो, कोई कंधे पे उठा के तवाफ ना करवाए। इसीलिए कहा जाता है जवानी में हज करो, बुढ़ापे में ज्यारत कर लो। जवानी में हज करो इसलिए कि मनासिक बहुत ज्यादा हैं और उसमें बदन का इस्तेमाल है और तवानाइयों का इस्तेमाल है, लिहाजा जब हम हज करने जाते हैं तो ये दो मोटी शर्तें हैं, साहिबान सरवत और साहिबान सेहत। मुझे अगर इजाजत दें तो एक हल्का सा, एक मामूली सा चुभता हुआ जुमला है, मगर चुभन तो उसे होगी कि जिसके यहाँ कोई कमजोरी होगी, और वो चुभता हुआ जुमला यह है कि ये दो ही लोग हैं जो माशरे में फसाद भी फैलाते हैं, जिनके पास सेहत अच्छी है और जिनके पास पैसा ज्यादा है, और यही दो लोग हैं जो माशरे में अमन अमान और सुलह आश्ती और खिदमत का जरिया भी हैं। यानी अगर इनकी इसलाह हो जाए तो ये पैसा खिदमत बन जाता है, और अगर इनकी इसलाह ना हो तो ये पैसा इन्हें यजीद बना देता है। और हम मजलिसों में बैठते ही इसलिए हैं कि हमारे मिजाज में फिरौनियत ना आने पाए। जी जी, हम मजालिस की जो हमारी इनकाद है उसका एक बड़ा फलसफा। तो अब साहिबान सेहत और साहिबान सरवत लोगों को अल्लाह ने मक्के में बुला लिया, और वहां बुलाने के बाद दोनों को सफा और मरवा के दरमियान अल्लाह सही करवा रहा है। अगर सफा और मरवा की यादगारें ना होती तो कौन सोचता कि कौन दौड़ा था, इसके दरमियान सात चक्कर क्यों भाई। इसलिए कि एक बीबी ने एक मासूम को, एक नबी को बचाने के लिए सात चक्कर काटे थे। यानी अगर किसी नबी की हिफाजत में कोई खातून सात चक्कर काटे तो अल्लाह उन दोनों पहाड़ियों को यादगार बना देता है। वो पहाड़ियां यादगार इसलिए हुई हैं ताकि हाजरा याद रहे, और हाजरा यूं याद रहे कि एक नबी को बचा रही थी। हम भी तो मुहर्रम में यही करते हैं, कभी अलम उठाते हैं ताकि वफादार याद रहे, कभी जुलजना की शबी निकालते हैं ताकि याद रहे जहां इंसान बेवफा हो जाएं वहां जानवरों को वफादार पाकर हम उन्हें याद करते हैं। ये
अजीजो एक मर्तबा फिर मौसम अज़ा आ गया, आज पहली मुहर्रम है, रोने के दिन आ गए। उस पर रोने के दिन जिस पे रोना सुन्नत मुस्तफ़ा है, और इस लफ्ज से बड़ा लफ्ज नहीं है कि नबी रोए हैं। मैं साबित करता रहूं कि जानवर रोए, मैं अहादीस पेश करता रहूं कि अल्लाहु अकबर बकत समावात वल अर्ज इम्तरअत मिन समाए दमन अहमरा। मेरे मौला रिजा का फरमान कि जब फिरौनी डूब रहे थे ना, सूरह दुखान की आयत की तफसीर में हजरत से पूछा गया कि फमा बकत समावात वल अर्ज, जब फिरौनी डूब रहे थे तो वो फरियादे कर रहे थे ना, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, बचाओ बचाओ, मगर डूब गए। उस मंजर पर कुरान कहता है कि आसमान नहीं रोया, फिरौनियों के डूबने पर आसमान नहीं रोया। इब्ने हजर अस्कलानी अहले सुन्नत का बड़ा मोतबर नाम है, वो एक जुमला लिखते हैं इस आयत की तफसीर में कि मैंने इस आयत को पढ़ने के बाद ढूंढना शुरू किया कि क्या किसी पर कोई मुसीबत आए तो आसमान रोता है, यह अल्लाह ने कहा क्यों है, ये अल्लाह ने कुरान में जिक्र ही क्यों किया है, आसमान कभी रोता है, जमीन कभी रोती है। तो इब्ने हजर अस्कलानी कहते हैं कि मैं इस आयत की तफसीर में ढूंढ रहा था कि कुछ मुझे मिले, तो मैंने नबी की एक हदीस देखी, सरकार फरमा रहे थे कि जब मेरा हुसैन ज़िबह हो रहा था, जब मेरा हुसैन ज़िबह होगा, मौला रेजा फरमा रहे थे इदा कुतला जद्दी अल हुसैन। अजरो कमल अल्लाह, जिन्हें रोना आ रहा है अपनी आवाजों को बुलंद करेंगे, बहुत ही मजलिस अपने अपने रूहानियत की कैफियत में है। मौला रिजा फरमाते हैं कि जब मेरे जद हुसैन को कत्ल किया जा रहा था, इम्तरअत मिन समाए दमन अहमरा, आसमान से पानी नहीं खून बरस रहा था। अल्लाहु अकबर, अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह, आपकी आवाजें बुलंद हैं। अजादारो करबला में, करबला में कयामत तो 10 जगह पर आकर रुकी, 10 ऐसी मुसीबतें हैं वाकया करबला में कि जिन पर आसमान गिर रहा था, जमीन फटने को थी। जब आसमान गिरने लगता था, जमीन फटने की तरफ जाती थी, तो जिस पर मुसीबत आई थी उसका वारिस सजदा करके कयामत रोक देता था। जब कभी ऐसा हुआ, अगर अली अकबर के सीने में बर्छी लगी तो उम्मे लैला ने पेशानी सजदे में रख दी। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। अगर कासिम का लाशा पामाल हुआ तो उम्मे फरवा ने पेशानी सजदे में रख दी। सुनेंगे अजादारो, सारे मसाइब का, सारे मसाइब का खुलासा, सारे मसाइब का खुलासा शामे गरीबा है। जब अहले बैत के, अहले बैत का इम्तहान, जब अहले बैत का इम्तहान कमाल पर पहुंचता है तो शामे गरीबा बनती है। इसलिए इसलिए कि जिस बीबी का साया कभी सूरज ने नहीं देखा, अजरो कमल अल्लाह, जो ज़ैनब कुबरा कभी भाइयों के सामने बगैर चादर के न गई हो, जब कभी बाबा घर में आते थे तो अम्मा से कहती थी अम्मा मेरे सर पे चादर रख दो, बाबा को बगैर चादर के मैं अच्छी नहीं लगती। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। अल्लामा नक्कन साहब ने बड़ा अजीब मंजर लिखा है कि जब हुसैन करबला में शहीद हो रहे थे और कातिल
हल्का तंग कर रहे थे इमाम हुसैन के गिर्द, कोई खंजर लिए हुए था, कोई तबर लिए हुए था। जैसे जैसे करीब आते गए, पीछे खड़े हुए मजमा हजारों का लश्कर था सिपाहियों का, एक सिपाही ने आवाज देकर कहा, इतना रुक जाओ कि हुसैन की रूह परवास कर जाए। जब हुसैन की रूह परवास कर जाए तब हुसैन का गला काट लेना। तो एक खंजर बरदार कातिल ने मुड़कर उसे देखा और कहा, कैसे तय करें हुसैन जिंदा है? इसलिए कि उस वक्त इमाम के बदन में तहर्रुक नहीं था। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह, थकेंगे नहीं। जो बैठे हैं, जो खड़े हैं, अपनी अपनी जगह से पुरसा देंगे। इमाम के बदन में तहर्रुक नहीं था। कहने लगा, कैसे तय करें कि हुसैन जिंदा है? तो एक और सिपाही ने आवाज देकर कहा, एक जुमला कहूंगा, अगर हुसैन जिंदा हुए तो उठ के बैठेंगे। मैं इस जालिम से, इस लईन से कहूंगा, तू क्या कहना चाहता है जो इतनी तकलीफ हो जाएगी हुसैन को कि हुसैन अपनी तकलीफ को भुलाकर उठ के बैठ जाएंगे? लोगों ने मुड़कर उसे देखा, कहने लगे, कहो क्या कहते हो? तो एक सिपाही ने आवाज दी, हुसैन जमीने करबला पर है और सिपाहियों ने जैनब पर हमला कर दिया। बस ये जुमला सुनना था, मेरे मौला ने कोहनियों पर जोर दिया। हुसैन ने कोहनियों पर जोर देकर अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, मेरे मौला ने अपना हाथ फिजा में बुलंद कर लिया और आवाज देकर कहा, पहले मेरा गला काटो, फिर मेरी बहन की तरफ जाना। क्या 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 फर्क है हुसैन में और इमाम सज्जाद में? दोनों हुज्जत खुदा हैं, दोनों मासूम हैं, दोनों इमाम हैं। क्या गुजरी होगी इमाम सज्जाद पर जब पहली मर्तबा फूफी को बगैर चादर के देखा? अला लअनतुल्लाह अला कौमिल ज़ालिमीन सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुल क़लबिन यन्क़लिबून।